तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे और एक न्यू जर्नी में। तो हम आज जर्नी करने वाले हैं परभणी टू नांदेड़ की जर्नी करने वाले हैं। पैसेंजर ही बोल सकते हैं, एक टाइप ऐसी स्पेशल है ट्रेन वो वाली। और मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है और स्टेशन भी कम है, हॉल्ट भी कम है ट्रेन को। हर एक स्टॉप लेती है ट्रेन यहाँ से आगे तक। तो अभी आपको दिखाऊँगा मैं कैसी ट्रेन है। तो अभी तो दोस्तों देख सकते हैं परभणी रेलवे स्टेशन ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, और देख सकते हैं घने घने बादल के बीच में हमारा परभणी रेलवे स्टेशन खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और परभणी स्टेशन के सामने बारिश की वजह से पानी भी रुक चुका है। तो अभी हम चलते हैं टिकट निकालने के लिए अंदर, और सामने आपको ट्रेनों का टाइम टेबल दिख रहा होगा कौन सी ट्रेन कब आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ आप मशीन से भी टिकट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर टिकट काउंटर है, हम टिकट काउंटर से टिकट निकालेंगे। तो दोस्तों तो अभी हम चलते हैं टिकट काउंटर। देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी लाइन देख सकते हैं कितनी बड़ी, और हम यहाँ पर खड़े हैं फोटो टिकट निकालने के। पैसेंजर एक्सप्रेस पैसेंजर 30 रुपये का चल रहा है? चिल्लर नहीं है सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं ब्रिज के ऊपर। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने टिकट निकाले टोटल मतलब परभणी से नांदेड़ का 20 रुपये का टिकट निकाला है एक्सप्रेस का, वो भी सुपर फास्ट का नहीं है पर हमारा एक्सप्रेस का टिकट है आज का परभणी से नांदेड़। अभी हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम, गाड़ी कब आने वाली है तो उसी का वेट चल रहा है हमारा। देख सकते हैं परभणी रेलवे स्टेशन पर पब्लिक देख सकते हैं यहाँ से। गाड़ी संख्या 07672 परभणी नांदेड़ स्पेशल एक्सप्रेस परभणी से चलकर पूर्णा के रास्ते नांदेड़ को जाने वाली थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। लोगों से बातें करते करते हमारा ये मालगाड़ी भी आ चुकी है, WDG 6G देख सकते हैं आप, आपको दिखा रहा हूँ। फुल हॉकिंग WDG 6G। मालगाड़ी जा रही है तो आप लोग देख रहे हैं इंजन, अभी क्या मालूम क्या करते थे रेलवे वाले, अभी कब आएगी हमारी गाड़ी समझ में बात नहीं आ रही हमारी, कब से वेट कर रहे ट्रेन का। मेरे वॉच में टाइमिंग दिख रहा होगा तो ट्रेन का टाइमिंग है 9:40 का, और देख सकते अभी देखते हैं 4 मिनट में ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी, देख सकते रेलवे वाले कैसे कर रहे पूरे टाइम हो रहा है और मालगाड़ी अभी तो ख़त्म ही नहीं हुई, अब जाके ख़त्म हुई मालगाड़ी अपनी, अब आएगी इसके पीछे अपनी गाड़ी। देख सकते कैसा हो रहा था, पूरे बादल बादल घने छाए, बारिश भी हो सकती है बता नहीं सकते बराबर हम तो मौसम देख सकते आप पूरा। अभी हम बारिश के टाइम में यहाँ पे परभणी रेलवे स्टेशन पे आए, देख सकते आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, बादल बारिश आएगी कि नहीं देख सकते मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, देख सकते पूरे बादल घने, और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। ट्रेन के अंदर भीड़ आपको मालूम ही होगी, देख सकते हैं आप पूरी ट्रेन के अंदर भयानक भीड़ है और लोग भागते भागते आ रहे, और देख सकते हैं आप अपना ये ट्रेन का बोर्ड, और देख सकते हैं आपने हल्को आज का
ये अपने को लीड करके ले गया था आज नांदेड़ तक परभनी से। देख सकते हैं गोटी का इंजन है 20 20067। WTV4 ये आज अपने को लीड करके ले जाएगा नांदेड़ तक लोगों ने। ये अपने को WTV40 है गोटी का, ये आप अपने को आज लीड करके ले जाएगा पूर्ण मतलब नांदेड़ तक। ये अपना आज WTV40। और भीड़ की बात बोलूँ ना तो भीड़ इतनी है कि ट्रेन के अंदर बैठे भी नहीं जा रहा और समझ में नहीं आ रही बात। अभी जल्दी जाना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी क्योंकि डिपार्चर भी निकालना है मुझे और ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, ट्रेन के अंदर बैठने भी नहीं आ रहा। तो चलते हैं अभी डिपार्चर, आपसे मिलते हैं डिपार्चर के टाइम। रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों बोला जाता है? एक लाइन आ रही है परली वैद्यनाथ से, एक लाइन जा रही है। देखोगे तो हैंडीक्राफ्ट की जगह है, देख सकते हैं आप पीछे पूरा। ये अपना कोच होने वाला है आज का, ये अपना आज का कोच होने वाला है जाने के लिए ट्रेन के लिए, क्योंकि सामने पूरी गाड़ी पैक है। इसके कारण जो मैंने दिखाया वो कोच है, जनरल नहीं है, हैंडीक्राफ्ट का डब्बा है। तो आरवे फॉलन ने कभी बोला तो हमको उतरना पड़ेगा क्योंकि गार्ड के डब्बे में ऑलरेडी लोग बैठे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अपना सिग्नल हो चुका सर्वाधारण ने। डिपार्ट हो चुके हैं बराबर 9:51 पे वो परली से परभनी जंक्शन पे। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही ट्रेन का पहला हॉल्ट आ चुका है पिंगली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 9:50 का टाइम का ट्रेन का 2-3 मिनट डिले हो चुके हैं। 10:03 को ट्रेन आई है अपनी, थोड़ी सी डिले हो चुकी है, सिग्नल भी मिल जाएगा 2-3 मिनट, ज़्यादा हॉल्ट नहीं है ट्रेन को। अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर अपन, अपने को सिग्नल चले डिपार्चर पे। इलेक्ट्रिक लोगो तो दोस्तों देख सकते हैं बारिश की वजह से खेती बाड़ी भी चल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो बस सब हरा भरा दिख रहा है क्योंकि बारिश का टाइमिंग है ना, इसके कारण सब हरा भरा दिख रहा है पूरा, मतलब पीछे की साइड हरा भरा दिख रहा है। कोई गेहूँ फिर रहा है तो कुछ ना कुछ चल रहा है खेतों में, देख सकते हैं। तो दोस्तों मिर्की रेलवे स्टेशन छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म भी उसका छोटा है, पर हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने देखा है प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि आप बता सकते हैं, मतलब ट्रेन के लेवल से नहीं है, मतलब छोटा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा छोटा रेलवे स्टेशन है वाला, प्लेटफॉर्म भी इसका छोटा है और देख सकते हैं मुझे बड़ा नहीं, नीचे उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा दूसरा हॉल्ट है मिर्की,
अभी इसके बाद सीधा पूर्णा ही है अपना। कर रहा था डिपार्चर्स के, अभी दो तीन मिनट क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हो गई, तो फाइनली डिपार्चर के लिए सिग्नल मिल चुका है हम लोगों को। अभी चलते हैं अपन डिपार्चर के टाइम, डिपार्चर के लोको पायलट हरा झंडा दिखा दे। गोदावरी नदी तो हमारे जर्नी का तीसरा हॉल्ट आ चुका है पूर्णा रेलवे स्टेशन। तो पूर्णा रेलवे स्टेशन आपको मालूम है जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक अकोला की लाइन गई है और यहाँ से एक नांदेड़गंज लाइन गई है। तो हमारा तीसरा हॉल्ट है, इसका टाइम था 10:30 बजे, ये 10:30 बजे गाड़ी आई यहाँ पे। तो दोस्तों भीड़ देख सकते कितने हैं, तो पूरी पूर्णा रेलवे स्टेशन पे देख सकते भीड़ कितने हैं, तो जगह भी नहीं बैठने के लिए बराबर से एकदम से, देख सकते आप भीड़ पूरी, भीड़ देख सकते आप कितनी है पूरी। मेरी जगह थी उधर, मेरी जो भी जगह चल गई उस डब्बे में, नीचे जनरल में कोई नहीं जा रहा, इसी डब्बे में जो ने वो घुस रहा, क्या वाले लोगों के क्या प्रॉब्लम है तो घुस। तो भीड़ देख सकते कुछ ऐसा है अपना पूर्णा रेलवे स्टेशन, देख सकते खाने पीने की कुछ दिक्कत तो नहीं है अपनी, इधर सब मिलता है वहाँ पर, समोसा वमोसा सब अवेलेबल है, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है, खाना देख सकते आप पूरा, कुछ टेंशन की बात नहीं, खाना वीना सब मिलता है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम यही हुई थी अपनी परभन रेलवे स्टेशन में, कुछ दिखा नहीं ज़्यादा मुझे। एक नंबर के प्लेटफॉर्म पर एक तो एकदम एक्सप्रेस, एक तो सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है, वेब 4 है लोको उसका, दिखाता हूँ मैं आपको अरावल उसका। देख सकते वेब 4 22130 वेपर भुसावल के आदमी विजयवाड़ा का, ये हुजूर साहेब नांदेड़ धर्माबाद, हुजूर साहेब नांदेड़ धर्माबाद का अपना भी सिग्नल हो चुका है। अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर, अपनी गाड़ी छूट जाएगी, अभी मिलते हैं डिपार्चर पे आपको। डिपार्चर हो रहा है, ओके भी डबल से डिपार्चर, अपना डबल से डिपार्चर मेरा देखने के लिए, तो टाइम से पहले आएगी ये जी।
देख सकते पुराना जो रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रिकेशन पूरा कम्प्लीट हो चुका है, पूरा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है पूरा पुराना रेलवे स्टेशन। देख सकते पुराना रेलवे स्टेशन का लोको सेट अपना WD-40 लोको सेट पुणे WD-40। तो ये आपको सामने दिख रहे होगी, देख सकते आप सामने से एक तो एक गाड़ी आई है, ये अकोला जानी है, अकोला पुराना लाइन है सामने वाली। अभी इस गाड़ी का नाम तो नहीं बराबर मालूम, अपना WD-40 है गोटी का, अकोला से ही गाड़ी अपनी अकोला जंक्शन है। देख सकते हम बढ़ चुके पुराना के ओर लाइन के ओर, नांदेड़ लाइन के ओर बढ़ चुके वाया हैदराबाद। हमारे जर्नी का चौथा हॉल्ट आ चुका है चुड़वा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 10:30 बजे का टाइमिंग था ट्रेन का, तो 11 बज रहे हैं, बस 11 बजने में 5 मिनट टाइम है, तो हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो चुकी है पूर्णा से निकलते टाइम। वही हाल है क्योंकि इसका भी स्टेशन छोटा है, नीचे देख सकते इसका भी स्टेशन छोटा है, कुछ कर भी नहीं सकते। और सिग्नल दे चुका है, हमारा सिग्नल हो चुका है, अभी चलते हैं डिपार्चर पे। आपको डिपार्चर देखते इंजन को भी ताकत लग रही है खींचने में, पूरा इंजन में आवाज कर रहा है। डिपार्ट फ्रॉम लिमगांव, अपना देख सकते WD-40 फुल हॉकिंग कर रहे हैं, धीरे स्पीड पकड़ते हुए अपना WD-40 अपना। बादल देखो कितने, मतलब बारिश का मौसम हो ही रहा है पूरा, देख सकते हैं धूप गिर रही है, कभी क्या हो रहा समझ में बात नहीं आ रही मुझे। हल्की हल्की धूप गिरी पर बादल देख सकते हैं आप पूरे, बहुत घने बादल हैं, सफ़ेद वाले पूरे बादल छा चुके हैं, पूरा जर्नी एक्सपीरियंस अच्छे से हो रहा है पूरा। गरम गरम हवा लग रही है इंजन की। अभी अपना छठा हॉल्ट आ चुका है वानेगांव रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज एक ही मिनट का है और हम उतरते ट्रेन डिपार्ट भी हो रही है, हमारे गार्ड्स का झंडा भी दिखा रहे हैं, इस
जिसके कारण हम नीचे नहीं उतर सकते। और पीछे से एक तो सुपर फास्ट ट्रेन अपनी क्रॉसिंग हो रही है, हमको मालूम तो नहीं बराबर कौन सी ट्रेन है। तो देख सकते अपना डिपार्चर ही हो रहा है, अभी देख सकते उतरने में इंडिया तो डिपार्चर हो रहा है अपना। बस अभी नांदेड़ आ ही चुका अपना, पास में अभी। आपको गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए, हर टाइम कौन से भी टाइम पे आओ यहाँ पर गन्ने की खेती मिलेगी मिलेगी आपको देखने के लिए। सामने जो दिख रहा है आपको नांदेड़ का वॉशिंग यार्ड है, यहाँ पर गाड़ियों की धुलाई होती है, वॉशिंग होती है। राजा रानी एक्सप्रेस खड़ी है वहाँ पर अभी वॉशिंग होने के लिए। गाड़ियों की साफ सफाई होती है चुके हैं नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे और हमारी जर्नी यहाँ पर एंड हो चुकी है। हमारा सातवां हॉल्ट है नांदेड़ रेलवे स्टेशन, यहाँ पर हमारा जर्नी हो चुकी है। अगर वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अलको की आवाज़ से आपको मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चाहता हूँ नांदेड़ की आपको मालूम होगा हमने वर्धा से कलम तक जर्नी की है, उसका भी वीडियो आ जाएगा क्योंकि एक वर्धा से नांदेड़ का नहीं एक लाइन आ रही है। वैसे तो बल्लार से लाइन है माजरी से, फिर भी एक्स्ट्रा की लाइन डाल रहे हैं लोगों के, मतलब तो मुझे भी बराबर मालूम नहीं उसके कारण से, तो हमने वो भी वीडियो बनाया, उसकी भी लिंक डाल देंगे आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख के बताना वीडियो कैसा है। तो जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाहर से ऐसा कुछ दिखता है अपना नांदेड़ रेलवे स्टेशन, बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर हमने अकोला से नांदेड़ तक जर्नी की है, उसका भी पार्ट डाल दूंगा मैं, दो पार्ट बने उसमें, और वो भी देख लेना वो वाले पार्ट।